आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो नित्यानंद प्रभु जी किस भूमि में आकर के, यदि हम नित्यानंद प्रभु जी के भाव में आविष्ट नहीं हुए और हमने भी ऐसा नहीं किया, कैसे नहीं किया? और यदि भूमि में लोट पोट नहीं खाया, पूरा शरीर धूल में दूषित हो जाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस स्थान पर आने का हमारा लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ बेकार हो गया। यदि अरे यदि हम नित्यानंद प्रभु जी के स्थान में आए और अपने शरीर को पूरा नित्यानंद प्रभु जी की चरण धूलि से दूषित नहीं किया, इस जगह पे आने का कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु जी के कणों में सम्मिलित होकर के बाल ग्वाल के भाव में विभावित होकर क्या करेंगे? और क्या करेंगे? चलो फिर एक बार करके दिखा दो कैसे करेंगे। इतना कोई जोर से मत बका कर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, हम थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ तुले गलो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जहाँ पर हम आए हैं, ये स्थान का नाम है एक चक्रा ग्राम। क्या नाम है? एक चक्रा ग्राम। और इसका और एक नाम भी राढ़ ग्राम है। क्या नाम है? राढ़ ग्राम। ये जो ढ है कभी कभी ये र भी हो जाता है संस्कृत का विचार में, मतलब ये स्थान का नाम है राधा ग्राम। क्योंकि जब भगवान इसी जगत में आते हैं, ठाकुर जी अकेले नहीं आते हैं, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर बोले ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ग्राम। ये भी अभिन्न वृंदावन है, ये गुप्त वृंदावन है, हैं? इसलिए यहीं पर श्री नित्यानंद प्रभु यहीं पर जन्म हुए। बोले ये स्थान का नाम है एक चक्रा ग्राम। क्यों पड़ा ये स्थान का नाम?
मतलब कारण हलो एक चक्र मतलब एक चक्र जैसे महाभारत युद्ध में श्री पितामह भीष्म ने कृष्ण बताए मैं कभी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने क्या बताए बोले तभी मैं शांतन तनु कहा हूँ जब हरि से अस्त्र गा हूँ, तभी मैं शांतन का बेटा हूँ जब भगवान कृष्ण को अस्त्र धारण कराऊंगा, जरूर भगवान को मैं अस्त्र धारण कराऊंगा। ये किसका प्रतिज्ञा था? कहते ये पितामह भीष्म का। लेकिन जब महाभारत में युद्ध हो रहा था, युद्ध होते होते इतने में पितामह भीष्म आज ऐसे युद्ध कर रहे थे, ऐसे युद्ध कर रहे थे, छलांग लगा लगा कर अर्जुन जितने प्रयास करता था उतना बार उन्होंने उसकी धनुष का जो इसका जो प्रत्यय को तोड़ देते थे, उसको काट देते थे। किसी तरह से अर्जुन कृष्ण के साथ में युद्ध नहीं कर पा रहा था, पूरा शरीर एकदम रक्त रक्त हो गया, लहू लुहान हो गया। इतने में कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले आज ये बूढ़े को क्या हो गया, ये बूढ़े तो छलांग लगा लगा करके आज लगता है मेरे अर्जुन को तो मार डालेगा। लेकिन भगवान ने प्रतिज्ञा किया किया था, भगवान प्रतिज्ञा किया था अर्जुन को द्वारा, कौनते प्रतिजानी न मैं भक्त प्रणशति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए अभी क्या होगा, इतने में एकदम कृष्ण का ताव आ गया, उन्होंने वहां पर कूद पड़े, कूद करके वहां से जो रथ का जो पहिया था एकदम हाथ में उठा लिया, बोला जी बूढ़े को खत्म कर दूंगा। अरे कृष्ण मारने के लिए जब दौड़े, इतने में पितामह भीष्म जब देखा आज ठाकुर जी मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा को उन्होंने तोड़ दिए, जिनकी एकमात्र इशारा होने पर हैं, एकमात्र इशारा होने पर क्या होता है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए। लेकिन आज ठाकुर जी अपना भक्तों का वाणी को रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना प्रतिज्ञा उन्होंने तोड़ दी। लेकिन भगवान कौन है, बोले सत्य 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 स जोनि निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। 33 करोड़ हनुमान जी झंडा में श्री हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी ऐसे उन्होंने दबाया, हनुमान जी हैं दबाया तो रथ एकदम नीचे चला गया, लेकिन वो जो सर्प था ना उसको पता का को उन्होंने निगल गया। लेकिन वो आया कहाँ पर, बोले सर्प यहीं पर आया यहाँ पर, उसको बाद में नहा धो करके कष्ट से आरती में आए, उसको बाद में कितना किलोमीटर चलते चलते आए थे वहाँ पर, करीब 10 किलोमीटर होगा चलते चलते आए, उसको बाद में फिर बस में बैठ कर कितना घंटा, 5 घंटा तो कम से कम लगा है। अपने शहर में नहीं कर पाएंगे, अपना शहर महाराज कहते आप अपना शहर में नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर श्री गुरु जी की श्री नित्यानंद प्रभु कृपा है, इसलिए इतना परिश्रम करते हुए भी थकान सा नहीं आता है, इसलिए थकान से यहाँ पर नहीं आते। किसको कृपा है, श्री नित्यानंद प्रभु की, महाप्रभु का आशीर्वाद है। इसलिए अभी प्रश्न, हम इतने पैसा खर्चा करके इतने कष्ट करके यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए? उस दिन हमारे संजय प्रभु कह रहे थे ना, हैं संजय प्रभु कह रहे थे बोले जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होना तब तक कोई भी राधा कृष्ण भक्ति में महाप्रभु का भक्ति में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री वृंदावन श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, है न निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाएते नाई दृढ़ करी धर निताय रिपाय। अगर कोई महाप्रभु को पाना राधा कृष्ण को पाना चाहते क्या करना पड़ेगा, किसकी चरण को जोर करके पकड़ना पड़ेगा, श्री नित्यानंद प्रभु का चरण को जोर करके पकड़ना पड़ेगा, तभी कोई राधा कृष्ण का प्रेम में अधिकारी हो सकते हैं, हैं? इसलिए श्री वृंदावन कहते हैं संसार पार हैया भक्ति रे सागरे जेडू विवेक से भज को निताय चांदेरे। अगर कोई संसार से पार होकर के भक्ति रस में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, जे डूबी वे से भज को निताय चांदरे, भक्ति रस में डूबना चाहते तो किसकी चरण को पकड़ो, श्री नित्यानंद प्रभु चरण को पकड़ लो, बेड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी, हैं? इसलिए कहते हैं जो प्रेम के बन्या लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं, बोले आबध करुणा सिंधु काटिया मुहाना घरे घरे बोले प्रेम आमियार बान।
कहते ये प्रेम की जो बाण है, जो बाढ़ आई है, कहते ये एक तरफ में बंद था, एक तरफ में प्रेम था, लेकिन इस तरफ पर सुखाई सुखाई था, लेकिन उसको जो जो तो बांध को काटा किसी ने, बोले श्री नित्यानंद प्रभु ने ही वो प्रेम की जो बांध था उन्होंने इसको काटा, तो इतने तेजी से ये पानी आया पूरा विश्व ब्रह्मांड को डुबा दिया। और यहीं से डूबते डूबते कहाँ चला गया, गढ़ी तक चला गया, पंजाब तक चला गया, बड़ौद तक चला गया, और कहाँ कहाँ चला गया हैं, कहते अम्बाला तक चला गया, मोहन नगर तक चला गया, सहारनपुर तक चला गया, हैं रसिया तक चला गया, अमेरिका तक, सारा दुनिया को ये बाढ़ ने, सारा दुनिया को ये बाढ़ ने सबको से बहा दिया। लेकिन वो बाढ़ को लाने वाले कौन है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु ने ही वो बाढ़ को लाए हैं, उनके बगैर ये बाढ़ को कोई लाने वाले नहीं थे। इसलिए हमारे श्री भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले दयाल नीताई चैतन्य भोले नाच रे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूरे जाबे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचरिया मर मन, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचरिया मर मन। इसलिए कहते हैं मेरा मन किसका नाम लेकर के नाच उठे, बोले दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचरिया मर मन, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम लेकर के नाच उठे। बोले क्यों, बोले एमन तो दयाल तो नाइये मार के प्रेम दिए, कृष्ण अवतार रामावतार में अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर बोले ना, भगवान कृष्ण चक्र उठा लिया, राम धनुष उठा कर पूरा लंका पूरा सब खत्म कर दिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु कितने दयालु, भले सर को फोड़ दिए, बाधाई ने सर उनकी फोड़ दी, लेकिन भैया भले ही तुमने सर को फोड़ दिया, लेकिन एक बार मेरे श्री सचिनंदन गौर हरि श्री महाप्रभु को तो एक बार सचिनंदन गौर हरि की एक बार तो तुम उसका नाम ले ले, सारे पाप से तुमको मुक्त कर दूंगा। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो कहते संसार कहते पुरी से रे कीट है इस्ते मुई से लघिष्ट, जगाई माधाई है इस्ते मुई से पापिष्ट, मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम सुने जय तार पुण्यक है, एमन निर्घिन्न मर के वा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माझा रे। वो कह रहे हैं पुरुष मतलब विष्टा के जो कीड़े हैं उससे भी मैं गया बिता हूँ, जगाई माधाई इतने पाप किया, इतने पाप किया, चित्रगुप्त तो लीक लीक करके पूरा घर भर गया था। बोले हे भगवान कितने काल तक नरक भोग करेगा, हैं कितना काल तक, लेकिन उनसे भी ज्यादा ने पाप करने वाले अगर मेरे नाम को कोई लेते हैं ना पुण्य नष्ट हो जाएगा, अगर कर कोई मेरे नाम को सुने तो उसकी पुण्य नष्ट हो जाएगी, उसकी पाप होगा। लेकिन इतने नीचे इतने निकृष्ट व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन इतने निकृष्ट व्यक्ति को अगर कोई उद्धार करने वाले तो कौन है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, इतने दयालु। इसलिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर लेकर, इसलिए हम लोग यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु रूप में हमारे अभिन्न जो गुरुपाद पद्म, हमारे नित्यानंद प्रभु का प्रकाश तो लेता हूँ संसार से पार कराने का, लेकिन तुमको केवल एक ही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, राम बस इतना कर लो, सर दायित्व तो मैं ग्रहण करता हूँ, इतने बड़े दायित्व लिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु यहीं पर हम जाएंगे दर्शन करके, यहीं पर ही बचपन में उन्होंने जैसे वो तो बलदेव प्रभु है ही है, यहाँ पर अपना संग लगाया करते थे, यहीं पर ही रामलीला करते करते लक्ष्मण का पाठ को लेकर के यहीं पर ही बेहोश हो गए थे। अब सब जानते हो यहाँ पर एक हंटू घाड़ा, हंटू घाड़ा मतलब है एक दिन नित्यानंद प्रभु अपना सखाओं को लेकर के उन्होंने खेलते खेलते यहीं पर आए, आए तो उन्होंने चिड़ा लाए, अभी तो चिड़ा दही इधर बड़ा प्रसिद्ध है, चिड़ा दही खाने का। बोले भाई पानी कहाँ से लाए, हंटू मतलब होता है किसको, किसको क्या बोलते हैं, घुटना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने घुटन को उन्होंने ऐसे दबाया तो सख्यात पतित पावन श्री गंगा देवी स्वयं प्रकट यहाँ पर हो गए थे, सख्यात गंगा देवी प्रकट होगी। अभी हम वहां जाएंगे, वहां पर हम आचमन ग्रहण लेंगे, वहां पर उसको कहते हैं हंटू गाढ़ा। और यहीं पर है, यहीं पर ही पंच पांडव का अज्ञातवास यहीं पर था,
आप लोग सुने होंगे पंच पांडव लोग अज्ञातवास में जब यहीं पर रहे उस समय गांव का एक नियम था, एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था बकासुर। उसको गांव का नियम था एक गाड़ी भोजन रोज देना पड़ेगा, दो बैल और एक आदमी को रोज रोज उसको भोजन देना पड़ेगा। जब पंच पांडव यहीं पर थे एक दिन देखा इनकी जिनकी घर में रहते थे उनकी बारी आ गई तो सबके सब रो रहे थे। पत्नी कहती है मैं जाऊंगा, बच्चा कहता है मैं जाऊंगा, पति कहता है मैं जाऊंगा, रो रहे थे। इतने में कुंती मैया बोले क्या बात, क्यों रो रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने सारी बात बताया, एक यहाँ पर दैत्य राक्षस रहता है जिसको भोजन देना पड़ता है। बोले चिंता क्यों करते, मेरे पांच बेटे हैं ना, मैं एक बेटे को दे दूंगा। बोले नहीं, आप हमारे अतिथि देव भव, हम कैसे आपको बेटे को दे सकते। बोले कोई चिंता मत करो, मेरे में तो पांच बेटा है ना। तो उन्होंने भीमसेन को उन्होंने भेजा था क्योंकि उनको पता था भीमसेन में इतने शक्ति है वो राक्षस को वही मार सकता था। इसलिए भीम, आप सब महाभारत में देखे होंगे यहीं पर ही उन्होंने बकासुर यहीं पर रहता था और भीमसेन को पूरा गाड़ी भर करके भोजन, जो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला रसमलाई लेडी गिरी राजमा चावल बढ़िया बढ़िया बना करके भीमसेन ने देखा बड़े दिन से पेट नहीं भर रहा था, आज हमारे पेट भरने वाले, ए बढ़िया बढ़िया जो गाड़ी भी दी, तो चकाचक भोजन किया। और उन्होंने यहीं पर ही उन्होंने वो बकासुर को यहीं पर उन्होंने वध किया था। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लीला नित्यानंद प्रभु का बहुत सारे लीला यहाँ पर हुई। इसलिए हम जब धीरे 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 आगे चलेंगे ना, ये समस्त लीलाओं को हम दर्शन करते हुए सबके सब जाएंगे। यहाँ पर यमुना भी यहीं पर, जैसे वृंदावन में यमुना, हम यमुना में आचमन लेंगे। यहाँ पर श्री कदम खंडी भी यहीं पर है, जहाँ से श्री बंकी बिहारी को जहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है वहाँ पर भी जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लीला स्थली है। अभी हमारे महाराज लोग प्रभु जी आपको नित्यानंद प्रभु का तत्व के ऊपर में कुछ उन्होंने अच्छी अच्छी आपको हरि कथा सुनाएंगे। कथा सुनने का बाद हम लोग वहाँ पर जाकर प्रसाद पाएंगे। बीच में हम लोग वहीं पर जाकर के आपका हाथ हाथ में प्रसाद दे देंगे, आप लोगों को जैसे सुविधा हो, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में प्रसाद बैठ कर पाने का यहाँ नियम नहीं है। हम लोग वहीं पर प्रसाद देंगे, आप लोग प्रसाद लेकर के आप प्रसाद बना, उसके बाद में हम सब दर्शन करते हुए चलेंगे। अभी हमारे महाराज जी और संजय प्रभु जी आपको सुंदर सुंदर नित्यानंद तत्व के ऊपर में बड़ी अच्छी अच्छी बात बताएंगे। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री हड़ाई पंडित की, बोले श्री पद्मावती देवी की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। मैं प्रसाद को देखने जा रहा हूँ, एक दो लोगों को साथ ले जाओ, ले जाओ भाई, महाराज जी के साथ जाओ, सर्वेश्वर महाराज के साथ जाओ, प्रसाद करो। ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुम्लितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मष नाशाय श्री जानवापते नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे महाराज जी से, हम लोग जिस स्थान पर आए गुरु जी की वैष्णव की कृपा से, ये नित्यम प्रभु का जन्म स्थान है। इसलिए जैसे महाप्रभु जी का जन्म लीला का वर्णन होता है, ऐसे एक भजन में नित्यम प्रभु के भी जन्म लीला का वर्णन हुआ, जिसमें कहा राड देश नाम एक चक्र ग्राम हड़ाई पंडित घरे। शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी जन्म लीला हाल धार। ऐसे एक भजन है, अब गौड़ी गीति में देख लेना क्या बताया। ये राड देश है और राड देश के अंतर्गत एक चक्र ग्राम में जन्म लिया हलधर। हलधर कौन है? बलराम जी। तो यहां बलराम जी ने जन्म लिया क्या? बलदेव जी ने तो वहां गोकुल में जन्म लिया, तो वहां पर क्या लिख रहे हैं? जन्म लिया हलधर, अर्थात वो नित्यानंद प्रभु कौन है? वही श्री बलदेव प्रभु हैं। महाराज जी पंडित और उनकी माता पद्मावती जी
उन्होंने बालक का नाम रख दिया क्या? कुबेर। क्या नाम रखा? नित्यम प्रभु अपने मित्रों के साथ यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का सब समय उस भाव में आविष्ट रहते। नाम ही क्या है? नित्यानंद। उसी भाव में कृष्ण लीला में सब समय आविष्ट रहते। इसलिए एक घटना बतलाई चैतन्य भागवत जी में कि जिस प्रकार एक दिन नित्यम प्रभु ने अपने सारे बालकों को अपने मित्रों को कह दिया आज हम राम लीला का अनुकरण करेंगे। अच्छा, नित्यम प्रभु कहने लगे मैं लक्ष्मण बन जाऊंगा, तुम ये बन जाना, तुम वो बन जाना, तुम हनुमान बन जाना और तुम इंद्रजीत मेघनाथ बन जाना, तुम हमको एक बाण मारना, मैं मूर्छित हो जाऊंगा, फिर हनुमान संजीवनी लाएंगे सुंगाएंगे तो मैं जीवित हो जाऊंगा। इस प्रकार हम नाटक करते हैं, सब अपना अपना रोल समझ लेना। बोले सब समझ गए? बोलते समझ गए। और बस ये बालक सब खेलने लगे और मेघनाथ अर्थात इंद्रजीत ने एक पुष्प फेंक दिया, मतलब बाण एक पुष्प फेंका और नित्यम प्रभु वहीं पर मूर्छित हो पड़े। अब जब मूर्छित हो गए आगे बच्चे हैं बालक भूल गए आगे क्या करना था किसी को संजीवनी लानी थी वो भूल गया, अपना रोल ही भूल गया। अब नित्यम प्रभु ऐसे कैसे पड़े हुए हैं कि कोई सुंगाएगा तभी तो जागूंगा, इतनी आवश्यकता। अब सारे बालक इधर उधर देखने लगे, हड़दम मच गई, ये क्या हो गया। दौड़े दौड़े गए ग्राम में, इसी ग्राम में ये एक चक्र सबको कहने लगे अरे सब लोग आ जाओ, पता नहीं कुबेर को क्या हो गया। सब दौड़े दौड़े आए, हड़ाई पंडित इतना वात्सल्य नित्यम प्रभु को वक्ष स्थल पर धारण किया और पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। सब रोने लगे क्रंदन करने लगे और ऐसी स्थिति में तब किसी ने पूछा, अच्छा पूछते हैं बच्चों तुम लोग कर क्या रहे थे। बोलते हम लोग रामलीला खेल रहे थे। बोलते फिर क्या हुआ था। बोलते ये ही हुआ था, इसको ये करना था, इसको ये करना था, अरे हाँ मैं भूल गया, हनुमान जी को तो संजीवनी लानी थी उस बालक को तो ऐसे लेकर आए, अब स्मरण हो गया और नित्यम प्रभु के नासिका में पुष्प लगाया और वही लीला। नित्यम प्रभु आविष्ट होकर कहाँ इंद्रजीत कहाँ इंद्रजीत, मैं छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है, इधर ही बैठा है इस प्रकार आविष्टता दिखला रहे हैं। कैसे आविष्टता। और ऐसे करते करते एक दिन इसी ग्राम में एक बहुत बड़े सन्यासी आए, लक्ष्मीपति जी आए, हमारी गुरु परंपरा में उनका नाम आता है, हर रोज हम गाते हैं। वे लक्ष्मीपति जी आए, हड़ाई पंडित से प्रार्थना करने लगे। बोलते जैसे विश्वामित्र जी श्री राम जी के दशरथ जी के पास आए और राम लक्ष्मण जी को वन में ले जाकर असुरों को दलन करने के लिए प्रार्थना की, उसी प्रकार ये सन्यासी आए और हड़ाई पंडित पिता से कहने लगे कि आप हमको ये बालक दे दो, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा और ये मेरी सेवा करेगा। हड़ाई पंडित का जैसे तो हृदय टूट गया, मैं अपने हृदय से भी अधिक प्रिय अपने इस बालक को कैसे भेज दूं। लेकिन नित्यम प्रभु सबके कहने पर फिर उन्होंने बालक को सन्यासी के साथ भेज दिया, बड़ा विस्तार है उसका। और वो सारे तीर्थों का भ्रमण करते 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 नित्यम प्रभु वृंदावन में पहुंचे तो देखा सारे सिंहासन शून्य पड़े हैं, सिंहासन पर कृष्ण नहीं है। तो नित्यम प्रभु जिज्ञासा करने लगे मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। बोलते आपके कन्हैया तो अब मायापुर नवदीप में चले गए। नित्यम प्रभु क्रंदन करते करते जब मायापुर धाम में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु शिवा संगम में बैठकर हुंकार भर रहे हैं और अपने भक्तों से कह रहे हैं कि देखो एक बहुत बड़े महापुरुष, देखो ये महिमाएं साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु साक्षात अपने मुख से नित्यम प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। आचार्य गाएं और कोई गाएं तो अलग बात है, साक्षात महाप्रभु जी नित्यम प्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं अपने सिख मुख मंडल से। कह रहे एक बहुत बड़े महाजन एक महापुरुष यहाँ पर आए हैं, जाओ ढूंढो। सब लोग ढूंढने लगे, आकर कहने लगे हमको तो कोई महापुरुष का दर्शन नहीं हुआ। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं जानता हूँ वो कहाँ है। और उधर नित्यम प्रभु छिपे हुए हैं नंदनाचार्य भवन में, हम जाते हैं ना मायापुर परिक्रमा में और विचार कर रहे हैं कि यदि महाप्रभु ये निमाई ही मेरे कृष्ण हैं तो ये मेरे को निश्चित रूप से ये ढूंढ लेंगे।
और महाप्रभु जी जब उठे सारे भक्त उनके साथ, भक्त समूह लई और साथ है, सारे भक्तों के साथ दौड़े दौड़े नंदनाचार्य भवन में, और वहां पर दूर नित्यानंद प्रभु को बैठा हुआ देखा और हाथ पसार कर निताई निताई, और वहां पर नित्यानंद प्रभु भी हाथ पसार कर दोनों आकर एक दूसरे को आलिंगन पाश में बद्ध कर दिए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। ऐसा मिलन कि दो ईश जिस स्थान पर मिले उस स्थान का नाम पड़ गया ईशो उद्यान। नंदाचार्य भवन का मतलब वो उद्यान है, गार्डन, और जहां पर ईशो, ईशो मतलब दो ईश्वर जहां पर जिनका मिलन हुआ। इस प्रकार अनेक अनेक लीला महाप्रभु जी ने तब तक प्रेम वितरण नहीं किया जब तक नित्यानंद प्रभु से मिलन नहीं हुआ। ये प्रेम वितरण के भंडारी एकमात्र नित्यानंद प्रभु हैं। महाप्रभु जी भी बहुत विचारशील हैं, बहुत विचारशील हैं, इतना सहज नहीं है, लेकिन नित्यम प्रभु परम दयालु, नित्यम प्रभु प्रेम दाता शिरोमणि, इसलिए नित्यम प्रभु की प्रतीक्षा हो रही थी, वही प्रेम के भंडारी हैं, उनके द्वारा ही प्रेम वितरण होना है। और नित्यम प्रभु का प्रेम वितरण का ढंग कैसा, वो ते उत्तम अधम किचु ना बची लो, किसी को नहीं छोड़ा, कोई उत्तम हो या फिर कोई अधम हो। उत्तम कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे, ये उत्तम हैं जो नित्यम प्रभु की कृपा को प्राप्त करके महाप्रभु जी के निकट आए, महाप्रभु जी ने उनको वापस भेज दिया। लेकिन फिर जब पानीहाटी में नित्यम प्रभु के चरणों का दर्शन करने फिर से लौट कर आए, नित्यम प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने चरण कमलों को स्थापित कर दिया। इसलिए उन नित्यम प्रभु के ही कृपा को प्राप्त करके आगे फिर बड़ा विस्तार है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, लेकिन मूल बात ये उत्तम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और नरोत्तम ठाकुर जी, उनको भी श्री नित्यम प्रभु ने ही आदेश, स्वपन आदेश दिया, अर्थात उन्होंने आवश्यकता से महाप्रभु के संकीर्तन का दर्शन किया और नित्यम प्रभु ने ही उनको ब्रज में जाने की, वृंदावन जाने का आदेश प्रदान किया। और उसी श्रृंखला में फिर कविराज गोस्वामी, अभी महाराज जी बतला रहे थे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में नित्यम प्रभु के एक पार्षद, देखो इतनी जल्दी नित्यम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, उनके एक पार्षद मिनिकेतन रामदास आए, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई हैं वो महाप्रभु के प्रति तो श्रद्धा रखता है लेकिन नित्यम प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। क्यों? ये अवधूत है, कभी नंग धड़ंग हो जाते हैं, कभी सन्यासी वेश धारण कर लेते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कबहू लाम्फा कबहू झाम्फा कबहू आटा हासरे, नित्यम प्रभु कैसे, कभी रोते हैं, कभी उछलते हैं, कभी भूमि पर लोटपट खाते हैं, कभी शिवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी की गोद में जाकर उनके स्तनपान करने लग जाते हैं, कभी महाप्रभु जी के सामने नग्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए ये अवधूत हैं, इनकी क्रिया को समझ नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने, उनके छोटे भाई ने मिनिकेतन रामदास का, मतलब नित्यम प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाई, और ये देखकर उनके परिकर मिनिकेतन रामदास जी ने वंशी को तोड़कर वहां से चले गए, रुष्ट हो गए। ये देखकर कविराज गोस्वामी जी ने मात्र मात्र अपने भाई को शासन किया, ये तुम्हारा विचार उचित नहीं है, एक को मानते हो एक को नहीं मानते, ये विचार उचित नहीं है। बस यही देखकर नित्यम प्रभु रिझ गए और नित्यम प्रभु ने स्वप्न में आकर कविराज गोस्वामी जी को भी ब्रज की ओर प्रेरित किया। इसलिए उत्तम और अधम कैसे, बोलते बड़ा पापी छीलो रही जगाई मदाई दूत भाई, बड़ा पापी छिलो रे, जगाई मदाई इतने पापी, इतने पापी की चंद्रगुप्त की, चित्रगुप्त की जो कलम वो भी रुक गई, इतना पाप, इतना पाप। लेकिन नित्यम प्रभु कैसे, मेरे छी कलसी माथा ताई बोले कि प्रेम दिबो न की, तुमने मेरे मस्तक पर कलसी मारी, सिर्फ इसी कारण से मैं प्रेम नहीं दूंगा, ऐसी कोई विचार नहीं। इसलिए मैं ये पर रखता हूं, नित्यम प्रभु के चरण कमलों में आए, इसलिए कहा ना निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छाए जगत चुराए। तीन कंपैरिजन किए गए नित्यम प्रभु के चरण से, कमल के समान कोटि चंद्र सुशीतल और छाया, तीन मतलब कमल चंद्र और छाया किसकी, बोलते कल्पतरु वृक्ष, और तीनों में एक चीज सामान्य है, वो क्या, शीतलता। तो इनके चरणों में आकर ही वास्तव में वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो सब निरानंद ही है। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की।
हरे कृष्णा। अभी आप लोगों ने पूजनीय श्रीधर महाराज जी और पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी के मुख से नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को सुना। मैं भी एक छोटी सी लीला सुना देता हूँ। देखो, जो नित्यानंद प्रभु जी है ना, इनका एक नाम है पतित पावन बाना। क्या नाम है? पतित पावन बाना। जो पतितों का साक्षात उद्धार करने वाले, और कैसे उद्धार करते हैं? नित्यानंद प्रभु जी की लीला के दो वैशिष्ट्य बतलाए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने। एक है प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। एक तो नित्यानंद प्रभु जी प्रेम प्रचार करने के लिए, और दूसरा पाषंडियों का दलन करने के लिए। नित्यानंद प्रभु जी संपूर्ण गौड़ देश में भ्रमण करते हैं, प्रेम प्रचारण करने के लिए, पाषंडियों का दलन करने के लिए। एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूँ। महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास ठाकुर जी को आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमाराज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिये करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। एक एक घर में जाओ और सबको क्या करो, कृष्ण का भजन करने की शिक्षा दो, कृष्ण का संसार करने की शिक्षा दो। सुनना बात को ध्यान से, हमारे काम की बात है, है? हमारे काम की बात। अब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी निकले नवद्वीप में भ्रमण करने, तो उनको दो भाई मिल गए। सुना होगा आप लोगों ने, जगदानंद बंदोपाध्याय और माधवानंद बंदोपाध्याय, जगाई और मधाई। सुना है ना नाम? दोनों कैसे थे? थे तो उच्च कुल के ब्राह्मण, किंतु इतने निंदनीय कर्म किए उन्होंने, इतने निंदनीय कर्म किए। जानते हो कितने पाप कर्म किए उन्होंने? इतने पाप कर्म किए कि जो यमराज जी है ना, वो एक दिन गए चित्रगुप्त के पास में, क्योंकि नरक की सारी व्यवस्था तो यमराज जी को देखनी पड़ती है ना। तो यमराज एक नहीं है, अभी तक तो यही सोच रहे थे एक ही यमराज है, उससे तो निपट लेंगे, हैं? यम की संख्या है 14। कितनी संख्या है? तो सावधान हो जाओ, किसी भी दिशा से आ सकते हैं। अभी तक तो समझ रहे थे एक ही है। यम की संख्या है 14, उसमें भी एक है चित्रगुप्त। तो यमराज जी गए चित्रगुप्त के सामने और उनसे पूछा, भैया ये दोनों जो जगाई और मधाई, जगा और मधा है, ये इतने पाप कर रहे, इतने पाप कर रहे, बतलाओ तो कितने पाप कर रहे। तो चित्रगुप्त ने सुनकर के यमराज जी से कहा, ये व्यर्थ परिश्रम है, इसको आप छोड़ दो। चित्रगुप्त से यमराज जी ने पूछा, भैया इनके पापों की सूची कितनी बड़ी हो गई, बहुत लग रहा है कि बहुत अधिक पाप कर रहे हैं, इनके लिए तो अलग से कोई नरक बनाना पड़ेगा, है कितने पाप किए इन्होंने। तो चित्रगुप्त कहते हैं, ये व्यर्थ परिश्रम है, वृथा परिश्रम, इसको छोड़ दो, इतने पाप किए, इतने पाप किए। यदि आप 1,00,000 कानों से सुनोगे, 1,00,000 कानों से सुनो, है, और 1 महीने तक सुनो, तब भी इन्होंने इतने पाप किए कि पूरे नहीं सुन पाओगे। जगाई और मधाई ने 1,00,000 कानों से सुनो, यदि चित्रगुप्त कह रहे यमराज से, और 1 महीने तक सुनो, तब भी इन्होंने इतने पाप किए उनको सुनकर के पूरा नहीं हो सकता। चित्रगुप्त जी बड़ा क्रंदन करते यमराज जी से कह रहे, इनके पाप लिखते लिखते निकट में देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़। यमराज जी ने कहा, ये क्या है? कहते ये जगाई और मधाई के पापों की गिनती है, लिखते लिखते इतने बही खाते भर गए। और जो कायस्थ लोग होते ना, लिखिया जो लिखते हैं पापों की सूची, कहते रोज मार खाते, प्रतिदिन मार खाते, क्यों? लिख नहीं पाते, एक दिन में इतने पाप कर देते, ये प्रतिदिन मार खाते, इतने पाप कर देते। अब यमराज जी जो है ना, वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बड़े आश्चर्य में, अरे भैया इनके इतने पाप हैं, इनके पापों का निस्तार कैसे होगा? अब निस्तार कैसे हुआ देखो, इतने पाप किए उन्होंने, इसलिए सुन रहे थे ना, बड़ो पापी छिलो रे, बड़ो पापी छिलो रे। नित्यानंद प्रभु जी को आदेश दिए महाप्रभु जी ने, जाओ प्रेम का प्रचार करो, प्रेम वितरण करो। गए हरिदास ठाकुर जी के साथ और देखा मार्ग में ये दोनों बैठे हैं, मार्ग में दोनों बैठे हैं, हैं? और मद पी रहे हैं और मतवाले हो रहे हैं। देखा दो हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु जी आ रहे हैं, हैं? और नित्यानंद प्रभु जी ने मन में क्या विचार किया, अरे मैंने सबको प्रेम दान किया, हैं? कैसे प्रेम दान किया? पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान, जेई जहां पाए तहां करे न प्रेम दान, खाइया लुटिया दिलो प्रेमेर भंडारे, आश्चर्य प्रेमेर भंडार शतगुणा बाढ़े। अरे पात्र और अपात्र का विचार किए बिना प्रेम दिया, पात्र और अपात्र का विचार किए बिना मैंने प्रेम दिया, तो क्या इनको प्रेम नहीं दूंगा?
यही तो वास्तव में महाप्रभु के प्रेम के पात्र है। क्यों? महाप्रभु जगत में अवतरित हुए हैं अत्यंत निकृष्ट जीवों का भी कल्याण करने के लिए। तो यदि मैंने इनका कल्याण नहीं किया तो मेरा नित्यानंद नाम सार्थक कैसे होगा? देखो कितने दयालु नित्यानंद प्रभु जी, कितने दयालु। तो नित्यानंद प्रभु जी चले गए उनके निकट में और उनसे जाकर क्या कहते हैं, तुम ये हमारे किनिया लाओ, बोलो गौर हरि। अरे तुम मुझको एक बार गौर हरि बोल दो और तुम मुझको खरीद लो है। और यदि कोई एक बार गौर हरि कह दे तो ऐतो बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए। नित्यानंद प्रभु जी यदि कोई केवल एक बार अपने मुख से गौर हरि उच्चारण कर दे, बोलो सचिनंदन गौर हरि की, एक बार यदि कोई गौर हरि उच्चारण कर दे, नित्यानंद प्रभु जी भूमि पर लोट पोट खाते थे। क्यों? अरे अब तो इसका कल्याण हो गया। किंतु जब जाकर के कहा ना तुम गौर हरि बोलो, तो उनमें से एक ने मटकी की कलसी जो है ना वो नित्यानंद प्रभु जी के माथे पर मार दी। अब जब मारी ना उनके माथे पर, नित्यानंद प्रभु जी के माथे से तो रक्त निकला। हरिदास ठाकुर जी दौड़े, चैतन्य महाप्रभु जी को बुला लाए। महाप्रभु जी तो आविष्ट होकर चक्कर चक्कर उच्चारण करने लगे, अभी इनका गला काट दूंगा। मेरे नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया, किंतु देखो कितने दयालु हैं नित्यानंद प्रभु जी, कितने दयालु हैं। महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके क्या कहते हैं, देखो हे प्रभु, आपने अवतार लिया ना इस कली काल में, इस अवतार में आपने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रारियर यजंती ही सुमेधसा। आपका अस्त्र क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन ही आपका अस्त्र है। आप इस अवतार में चक्र धारण नहीं करोगे, आपने प्रतिज्ञा की है। हैं? आप इनको यदि प्रेम दान कर दोगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। नित्यानंद प्रभु जी कितने दयालु कहते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप तो जगत में अवतरित हुए, करुणा अवतीर्ण करो, अपनी करुणा से ही आप जगत में अवतीर्ण हुए, तो आप क्या करो, आपने यदि इन निकृष्ट जीवों को आपने कृष्ण प्रेम नहीं दिया तो मेरा नित्यानंद नाम सार्थक नहीं होगा। सुनकर के महाप्रभु जी तो पिघल गए, सुनकर के महाप्रभु जी पिघल गए। और उनमें से एक ने तो नित्यानंद प्रभु जी के मस्तक पर कलसी मारी और जो दूसरा था ना उसने उसको रोका, अरे क्यों कलसी मारते हो, ये महाजन है। इतना सुनकर के महाप्रभु प्रसन्न हो गए, इतना सुनकर के, अरे तुमने मेरे नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, तुमको कृष्ण प्रेम दे दूंगा, किंतु ये जो दूसरा है ना इसको नहीं दूंगा, है इसने मेरे नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया, कैसे दूंगा फिर। उसने नित्यानंद प्रभु जी के झट चरण पकड़ लिए, क्या कहते हुए, प्रभु हम दोनों ने जितने पाप किए एक साथ में किए, हम दोनों ने जितने पाप किए एक साथ में किए, तो क्या ऐसा उचित है कि आप एक को प्रेम दो मुझे ना दो। झट नित्यानंद प्रभु जी के चरण पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा तुमको भी दे देंगे जाओ प्रेम। इतना नित्यानंद प्रभु जी के मुख से निकला और महाप्रभु जी ने दोनों को कृष्ण प्रेम दान कर दिया। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। अब जब ये खबर पहुंची ना कहां, कहां पहुंची, नरक में, हैं? यमराज जी के निकट में। यमराज जी झट दौड़े चित्रकेतु के पास में और उनसे जाकर पूछा, अरे सुना तुमने खबर सुनी? चित्रकेतु ने कहा अरे आपसे पहले खबर हमारे पास में आ गई। हैं? क्या खबर आई है? अरे नित्यानंद प्रभु जी, महाप्रभु जी ने जगाई मदाई के सारे पापों को माफ क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, सारे पापों को क्षमा कर दिया। यमराज जी ने जब सुना ना मूर्छित होकर गिर गए, समझ में आ रही बात, जब सुना मूर्छित होकर गिर गए। अरे इतने पाप, इतना दयालु कोई अवतार हो सकता है नित्यानंद प्रभु जी के जैसा? इसलिए उनके विषय में क्या कहा गया, मार खे प्रेम दे अमन दयालु तो नहीं दे। अरे ऐसा दयालु अवतार कभी कोई हुआ होगा जो मार खा करके भी प्रेम दे दे? कृष्ण कितने दयालु हैं, शिशुपाल के 100 अपराध कृष्ण ने क्षमा कर दिए। क्यों? उनकी बुआ का बेटा था ना, बुआ ने क्या कर लिया, उनसे प्रण ले लिया, इसके अपराध आप क्षमा कर देना। कृष्ण ने क्या कहा, 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, 101 बार क्षमा नहीं करूंगा। जैसे ही उसके मुख से 101 बार वचन निकला उसी समय क्या हुआ, चक्र आया और गला काट दिया। कितने दयालु कृष्ण हैं, फिर भी 101 बार अपराध सहन नहीं किया। किंतु नित्यानंद प्रभु जी कैसे, साक्षात दया की मूर्ति। ये महाप्रभु जी और कृष्ण की जितनी दया है ना उनके हृदय में, जितनी दया है, उनकी दया यदि कोई मूर्ति धारण कर ले तो वो दया क्या होगी, वो साक्षात नित्यानंद प्रभु जी होगी। तो जब यमराज जी ने सुना ना रे नित्यानंद प्रभु जी ने इनके सारे पापों को क्षमा कर दिया, उठ करके इतने प्रेम में मत हो गए कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, नाचई धर्मराज चाजू। यमराज माने धर्मराज, भूल गए कि मैं धर्मराज हूं, कहते नाचई धर्मराज छाड़ी असकल लाज लोक लग। शिवजी जी का एक नाम है आशुतोष, बड़ी शीघ्र प्रसन्न होने वाले, किंतु शिवजी जी के गुरुजी भी कौन है, शंकरसेन जी। वो शंकरसेन जी नित्यानंद प्रभु जी का एक अंश है। बताओ जब
क्षेत्र जो है ना बड़ा विपरीत है, बड़ा विपरीत, उसको समझना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा कठिन। और दूसरों की तो बात क्या कहे, अभी सुन रहे थे ना महाराज जी, एकमात्र क्या है, भक्ति के भंडारी है चैतन्य महाप्रभु जी ना, एक संपत्ति है, एक संपत्ति। और वो संपत्ति जानते किसमें बंद है, किसमें बंद है, वो एक संपुट में बंद है। संपुट समझते, एक संदूक, वो संदूक कौन है, नित्यानंद प्रभु जी। तो जब तक वो संदूक नहीं खुलेगी तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी रूपी जो संपत्ति है ना वो हमको प्राप्त नहीं होगी, तब तक प्राप्त नहीं होगी। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, दो बार उन्होंने प्रयास किया महाप्रभु जी के चरणों को प्राप्त करने का, नहीं प्राप्त कर सके। किंतु जब नित्यानंद प्रभु जी ने दया कर दी ना किंचित सी, 16 वर्ष तक रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अंतरंग सेवा करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। 16 वर्ष तक, एक दो नहीं। तो नित्यानंद प्रभु जी जो है ना, ये है भक्ति के भंडारी। तो हम किस लिए आए नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में, कि आप भक्ति के भंडारी हो। देखो महाप्रभु जी ने जो नित्यानंद प्रभु जी का आदेश दिया था ना, आज भी नित्यानंद प्रभु जी गुरु रूप में, हमारे गुरुपाद पद्म कौन है, साक्षात नित्यानंद प्रभु जी का प्रकाश है। नित्यानंद प्रभु जी आज भी गुरु रूप में घर घर में जाकर के हम सब जीवों को, हम कैसे आए, अपने आप से आ गए ना, गुरु जी की कृपा से आ गए हैं। हम गए थे गुरु जी को ढूंढने ना, गुरु जी आ गए हमको ढूंढने, गुरु जी आए हमको ढूंढने। इसलिए कहा गया महंत स्वभाव ही तारीते पामर, निज कार्य नाही तब जान पर घर। महंतों का अपना कोई, जो गुरुजन होते हैं ना उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, बस हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए वो क्या करते, एक एक घर में जा करके क्या करते, प्रति घरे घरे गिए करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये नित्यानंद प्रभु जी आज भी गुरु रूप में क्या कर रहे हैं, घर घर में जा करके हम जगत जीवों के कल्याण के लिए कितना ये नित्यानंद प्रभु जी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा रस नहीं है कृष्ण की, महाप्रभु की कोई ऐसी सेवा नहीं है। पांच मुख्य रसों में कृष्ण का आसन वसन भूषण चामर छत्र व्यंजन जनेऊ पादुका सब कुछ ये नित्यानंद प्रभु जी हैं, सब कुछ पांचों मुख्य रस में नित्यानंद प्रभु जी सेवा करते। इसलिए बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के किसी को महाप्रभु जी की कृष्ण की सेवा, किसी को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के धाम में प्रवेश नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है नो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, दृढ़ करी धरो नितायर पाए। अरे नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के बिना किसी को राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए क्या करो, बड़ी दृढ़ता के साथ में नित्यानंद प्रभु जी के चरणों को पकड़ लो, है बड़ी दृढ़ता के साथ में। इसलिए हम नित्यानंद प्रभु जी के स्थान पर आए, उनकी चरण धूलि को लेने के लिए आए हैं, नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करने के लिए आए। जब आपने जगाई मधाई के कोटि कोटि पापों को एक क्षण में क्षमा कर दिया, हमारे भी जो पाप है आप उनको भी एक क्षण में क्षमा करके हमको भी क्या कीजिए, गौर प्रेम कृष्ण प्रेम आप हमको भी हमारे हृदय में उसकी एक बूंद दे दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भैया हम नित्यानंद प्रभु जी के स्थान पर आए। अभी हम सुन रहे थे ना, नित्यानंद प्रभु जी को जब महाप्रभु ने आदेश दिया वो आए ना, मार्ग में अपने पार्षदों के साथ में आ रहे थे, 10-20 पार्षद उनके साथ में चल रहे हैं, सारे तो ब्रज के ग्वाल बाल है ना, सारे ब्रज के ग्वाल बाल है। मार्ग में आ रहे हैं ना, जब कहां से, जगन्नाथपुरी से आए नवदीप धाम, मार्ग में आते आते सुधबुद भूल गए, सब ब्रज के भाव में आविष्ट हो गए। और ब्रज के भाव में आविष्ट होकर कोई तो पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई 3 दिन तक मार्ग में एक ही भाव से खड़ा हुआ है 3 दिन तक, क्यों, ब्रज के भाव में आविष्ट हो गए ना। और कोई अट अट हास्य, अट अट हास्य सुन रहे ना, कैसे करते थे, ऐसे नित्यानंद प्रभु जी भाव में आविष्ट हो गए, सारे उनके ग्वाल बाल, कभी भूमि पर लोटपोट खा रहे, कभी सरोवर में कूद रहे, आप भी कूद जाना, कभी पेड़ पर चढ़ रहे हैं, भाव में आविष्ट हो रहे हैं। इसलिए यदि इस स्थान पर आकर के नित्यानंद प्रभु जी का नाम लेकर, गौर हरि का नाम लेकर, यदि हमने भूमि पर लोटपोट ही नहीं खाया तो हमारा धाम में आने का लाभ क्या हुआ, हुआ नहीं लाभ हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रसाद सेवा करेंगे झट से, और नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु का नाम लेकर के क्या करेंगे, हम भूमि में लोटपोट खाएंगे। ऐसे अपने शुद्ध-बुद्ध भूल जाना, यदि स्मरण रहेगा हमारे वस्त्र बड़े अच्छे हैं, ये वस्त्र यदि मैले हो जाएंगे तो कैसे धुलेंगे, फिर नहीं मिलेगी भैया कृपा, फिर नहीं मिलेगी। इसलिए भूमि में लोटपोट खाना पड़ेगा, समझ आ रही है बात, भूमि में लोटपोट खाना पड़ेगा। ये नित्यानंद प्रभु जी जो है ना, प्रसाद आया ना, एक पूरा ये नित्यानंद प्रभु जी जो है ना, देखो कैसे रीत जाते हैं, और यदि रीझ जाए ना क्या दुर्लभ वस्तु दे सकते हैं। पता है महाप्रभु जी के भक्त थे शिवानंद सेन जी, नाम सुना आप लोगों ने, बड़े प्रिय परिकर थे वो। प्रत्येक वर्ष सारे गौड़ देश के भक्तों को, बंगाल के सारे भक्तों को लेकर के वो महाप्रभु जी के पास में जाते थे जगन्नाथपुरी में। एक वर्ष गए तो इनके साथ में नित्यानंद प्रभु जी भी गए।
अब जैसे हम गंगा पार करके जाते हैं ना मायापुर, ऐसे एक स्थान पर नदी पार करनी थी। अब सारे भक्तों को तो शिवानंद सेन जी ने आगे भेज दिया है, और नित्यानंद प्रभु जी को भी भेज दिया, स्वयं पीछे रह गए। क्यों? जैसे हमको वो टैक्स देना पड़ता है ना, वो मांगते ना नौका वाले टैक्स दो, उस समय में भी टैक्स देना पड़ता था। उसको कहते थे चुंगी, क्या कहते थे? चुंगी। चुंगी के लिए वो रुक गए शिवानंद सेन जी। अब नित्यानंद प्रभु जी तो वो साक्षात बलदेव जी हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे, उनको भूख लग रही है। अब उनको ना तो स्थान मिला ना उनको भोजन मिला, तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर उन्होंने शिवानंद सेन जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? तीन पुत्र मरुख शिवार एखन ना आईला, भोके मरी ज्ञानु मोरे वासना दे आईला। अरे शिवानंद सेन के तीनों पुत्र मर जाए, मैं भूख से मर रहा हूं, ना तो मुझको भोजन देता है ना मुझको इसने स्थान दिया। जब शिवानंद सेन जी की पत्नी ने सुना ना, वो तो क्रंदन करने लगी, अरे गोसाई ने श्राप दे दिया। इतनी देर में शिवानंद सेन जी आ गए, इतनी देर में शिवानंद सेन जी आए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तेहो कहे बाउली क्या नो मरीस कांदी, अरे क्यों रोते रोते मर रही है? तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे गोसाई ने हमको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? हमारे तीनों पुत्र मर जाए। सुनकर के शिवानंद सेन जी क्या करने लगे? दुखी हो गए? नहीं, दुखी नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, आनंद से भर करके नृत्य करने लगे। क्या कहते हुए? तेहो कहे बाउली क्या नो मरीस कांदिया, मरु कमार तीन पुत्र तार बलाई लिया। अरे मेरे तीनों पुत्र नित्यानंद प्रभु की बलाई लेकर मर जाए हैं। और गए नित्यानंद प्रभु जी के पास में। नित्यानंद प्रभु जी तो क्रोध में भरे हुए थे, उठ करके एक लात मारी शिवानंद सेन जी को, एक जोर से लात मारी, दूर जाकर के गिरे। किंतु क्रोध आया शिवानंद सेन जी को? क्रोध नहीं आया, उठ करके नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते क्या कहते हैं? ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हार श्री चरण रेणु है नो चरण स्पर्श पाई लो मोर अधम तनु। अरे जो चरण रेणु आपकी ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वो चरण रेणु आज मुझको प्राप्त हो गई। और जब ये कहा ना, नित्यानंद प्रभु जी तो बड़े दयालु, उठ करके उनको प्रेम आलिंगन दिया। अब देखो नित्यानंद प्रभु जी किसी को लात मारे तो भी कितनी कृपा हो जाती है, समझ में आ रही तो बात? यदि नित्यानंद प्रभु जी किसी को लात मारे कितनी कृपा मिलेगी। ये शिवानंद सेन जी जब गए ना जगन्नाथपुरी में, श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं अपने सेवक गोविंद प्रभु को आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? शिवानंदेर प्रकृति पुत्र जावत एथाय आमार अवशेष पात्र तारा जैन उपाय। अरे ये शिवानंद सेन जब तक यहाँ पर रहे ना पुरी में, प्रतिदिन मुझको मेरा इनको इनकी पत्नी इनके पुत्र और पूरे परिवार को, जब तक ये जगन्नाथपुरी में रहे मेरा उच्छिष्ट महाप्रसाद इनको देना, कितनी कृपा है। यदि गुरु जी अपने सेवक को कहे ये भक्त जब तक मेरे निकट में रहे प्रतिदिन मेरा महाप्रसाद इनको देना, कितने आनंद की बात होगी, होगी कि नहीं होगी है? तो नित्यानंद प्रभु जी यदि प्रसन्न हो जाए ना भैया और एक लात मार दे है, लात खाओगे? तो खाओगे कि नहीं खाओगे? बस संभल के खाना, साक्षात बलदेव प्रभु है, कहीं लात मारी और सीधे जाकर गिरे दिल्ली किंतु उसमें भी मंगल है। तो हम नित्यानंद प्रभु जी के चरण धूलि को लेने के लिए स्थान पर आए, अभी हम लोग प्रसाद पाएंगे, उसके पश्चात में खूब उद्दंड नृत्य कीर्तन करना नित्यानंद प्रभु जी का नाम लेकर। बोलो नित्यानंद प्रभु की, सचिनंदन गौर हरि की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अच्छा सुनो देखो, सतयुग में लोग कितनी तपस्या करते थे, है ना? त्रेता में भी कितनी तपस्या होती थी, ध्यान से सुनना, द्वापर में भी कितनी तपस्या होती थी। आज कलयुग में हम लोग तपस्या कर पाते हैं? अच्छा, एक साल में एक बार आता है निर्जल एकादशी, कौन कौन करते हैं बताओ तो? निर्जल एकादशी, अच्छा बाकी लोग नहीं करते? अच्छा, कितने लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं ये बताओ तो? अच्छा, एक और बात बताता हूँ, ये डॉक्टरी की बात है। बोलते हैं अगर एक दिन भोजन कोई ना करे ना तो कभी भी मरता नहीं है, मरता नहीं। तीन दिन तक अगर वो भोजन नहीं करता तब उसकी तबीयत खराब होती है। और आयुर्वेदा तो ये कहता है कि एक दिन तो पूरा उपवास करना चाहिए। जैसे एकादशी का दिन होता है ना, एक दिन उपवास करने से क्या होता है, शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट। अभी अगर हमने पहले प्रसाद पाया होता ना तो अभी यहां पर पता क्या हो रहा था? ठीक है, ये हो रहा होता। अभी देखो सुबह सबने किस किसने खिचड़ी खाई बताना? अरे खिचड़ी किस किसने खाई? बस, और बाकियों ने हवा खाई? उस समय
यहाँ नहीं लग रही थी सबको, भाग लो। हाँ वो बाकी कह रहे हैं हमने हलवा पूड़ी खाई नवदीप में, हलवा पूड़ी वाह। तो देखो ये ऋषियों की बात नहीं, ये डॉक्टरों की भी बात है। हम जितना कम खाएंगे ना उतना हम लोग एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर और जगहों पे कथा होती है ना, सब लोग सो रहे होते हैं। यहाँ पर देखो संजय प्रभु कुछ बोले, महाराज जी कुछ बोले, मैं कुछ बोला, सब अलग अलग दृष्टिकोण से, तो सबके मन में होता है अच्छा अब ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इसलिए सारे अलर्ट हैं, हाई अलर्ट। पता है किस लिए बोल रहे हैं सारी बातें? सही बात पर आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ। देखो कोई हमको शाप मत देना और कोई हमको गालियां भी मत देना, क्योंकि कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हुआ तो क्या हुआ, अब सच बात वो बोल देता हूं, नित्यम प्रभु के स्थान पर आए ना। क्या हुआ, ये स्थान का नाम क्या है? एक चक्र। वो जो गाड़ी में जिसमें महाराज जी ने स्पेशल ऑर्डर दिया था, आज यहां पर छोले चावल पूड़ी तंदूरी रोटी और देसी घी का हलवा रसगुल्ला, ये सब, अरे चुप कर, ये सब जो गाड़ी आ रही थी ना, वो ड्राइवर एक चक्रानी एक चकला समझ गया और वो है 250 किलोमीटर दूर, वहां पहुंच गया। अब उसको आने में अब देखो शुरू हो गए, हे भगवान। हाँ उसको आने में 4 घंटे से कम तो लगेगा नहीं, लेकिन नित्यम प्रभु जैसे दयालु है ना, महाराज जी भी बड़े दयालु हैं। हम लोग देखो यहाँ आराम से बैठे, महाराज जी बाहर धूप में भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हाँ कितने दयालु, उन्होंने कोई भूखा नहीं मरेगा, उन्होंने व्यवस्था कर दी। व्यवस्था वही की, बोलते जैसे 3 टाइम हम गुरु जी वाला मंत्र जप करते हैं ना, सुबह भी वही कृष्ण गोपाल मंत्र करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी, 3 टाइम करते हैं ना, तो अलग अलग मंत्र तो नहीं होता, एक ही मंत्र होता है ना। ऐसे ही यदि सुबह खिचड़ी मिली, अभी भी खिचड़ी मिलेगी। हाँ व्यवस्था चल रही है, हम लोग कथा सुन लिए हैं, अब जो 2-4 यहाँ पर दर्शन के स्थान हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि अगर पेट भरा होगा तो धूप भी और गर्मी भी ज़्यादा लगती है, पेट अगर खाली होगा तो कष्ट भी नहीं होगा। और दर्शन करते 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 हम वहाँ पर, जहाँ पर अभी एक स्थान है हमारे साथ साथ चलना, इस्कॉन मंदिर है, कोई खो भी जाए तो पहुँच जाना। इस्कॉन मंदिर में हमने ऑर्डर दे दिया है, वो लोग तुरंत हमारे लिए प्रसाद, आचार और पापड़। हाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, पापड़ एक्स्ट्रा है, आचार, आचार, आचार। सुबह तो खिचड़ी मिली ना, महाराज जी के दयालु देखो कितने दयालु हैं, संजय प्रभु की तरफ से पापड़, महाराज की तरफ से खिचड़ी, आपकी तरफ से आचार और मेरी तरफ से आचार, और इसमें कोई विचार नहीं, आचार ही है। तो इसलिए आप लोग कौन कौन बुरा मान गए, हाथ खड़े मत करना। अच्छा कौन कौन मान गए वो करना, तो ठीक है, तो फिर खिचड़ी कैंसिल करें, पैसा बचाए। अच्छा नहीं, तो अभी हम लोग दर्शन पे चलते हैं, एक घंटे में दर्शन भी हो जाएंगे, प्रसाद भी बन जाएगा, और प्रसाद पाके फिर बस में बैठकर वहां पर भंडारा खाएंगे। बोलो नित्यानंद प्रभु की, हरे कृष्णा। आ जाओ भैया हमारे साथ में, आ जाओ, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको। अरे आ जाओ, कीर्तन करने वाला इधर आ जाओ। अरे तुम चले जाओ।